लो व्हाट्सअप गाइस, यू वॉचिंग इल्यूमिनाटी एक्सपोज। मैं एमएस के, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड मैन अगेंस्ट डेथ 19। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे जबरदस्ती जिंदा रखने का किसी भी सरकार को कोई अधिकार नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, मेरे न पहनने के कारण, गाइडलाइंस को फॉलो न करने के कारण ऐसा कहा जा रहा है, ये सही नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुझसे दूसरे लोगों को डर हो सकता है फैलने का। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को मुझसे कोई डर हो सकता है तो वो अपने चेहरे पर पहन ले और मुझसे दो गज की दूरी बना ले, मुझसे दूरी रहे, अपने चेहरे पर पहने रहे। और भी एक बात है कि अगर और भी ज्यादा डर अगर लगता है तो गाइडलाइन में कहा गया है स्टे होम स्टे सेफ, मतलब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकला ही मत कीजिए। ये काल्पनिक हवा हवाई फैलाना बंद कीजिए, कुछ नहीं होना। पिछले एक साल से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो मुझे ना बुखार, कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं। ब्रेन भी आ रही है, थोड़ा उसे भी दिखाइए, देखिए ब्रेन आ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो इसलिए बात तो ऐसी बात है कि आपका पांव टूटने से पहले ही प्लास्टर लगवा लीजिए। अरे भाई, ये क्या तू हुई, अभी पांव टूटा नहीं तो पहले ही प्लास्टर लगवा ले। फिर ये क्या कहते हैं कि आप अगर प्लास्टर लगवा लेते हैं तो मैं ये पूछता हूँ कि आगे मेरा पांव कभी टूटेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये कहते हैं ना 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 ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं। तो इस तरह समझने की बात ये है कि के बाद भी मेरे मरने के 100% चांस है, सरकार का नहीं। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है, ये क्या हिमाकत है कि पूरे देश को पहनवा के रख दिया है, बिल्कुल डराया जा रहा है। तो नहीं डरने वाला, मैं साफ साफ कहता हूँ, सरकार अपने कान खोल के सुन ले, मैं नहीं डरने वाला। मुझे डराओ, आप 135 करोड़ लोगों को तो बराबर डरा रहे हो। यह अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 1 पर खड़ा हूँ और आपसे बता रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली भी जा करके यही बताऊंगा कि मैं नहीं डरने वाला, ना डरूंगा और ना ही सरकार से ही डरूंगा। सरकार में अगर दम है तो मुझे डरा के दिखाएं, मुझे डरा के दिखाएं। तो मेरे पास एक वीडियो आई थी इनकी, तो मैं सोचा इसे अपने यूट्यूब पर डालना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि लोगों को इनकी बहादुरी देखनी चाहिए कि ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, अकेले इंसान, एक अकेला इंसान उसके सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उसे फैला दो बिल्कुल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना।